फ्रेंड्स, फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बताने वाली हाइट नॉच को कस्टमाइज़ कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी नोट 9। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का ऑप्शन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको सेकेंड इंटरफेस नजर आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको स्टेटस बार पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा हाइट नॉच, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे ये पसंद है तो आप देख सकते हैं ये कैसा हाइट हो रहा है। आप इसी प्रकार से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पर मुझे यही रखना है। इसके बाद आप यहाँ से पैक कर ले। फ्रेंड्स, आपका देख सकते हैं मेरा यही है। अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से पैक कर ले। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये हाइट हो गया है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में हाइट नॉच का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है सो कन्वर्शन स्पीड, यानी कि रियल टाइम स्पीड। आप यहाँ से इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा आपको बैटरी एंड्यूरेशन, यानी कि आपको यहाँ देखिएगा बैटरी परसेंटेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को शो कर सकते हैं जैसे लगाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, और जैसे कि मैं ये लगाती हूँ, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये नंबर हमारा अंदर चला गया है। अगर आपको ऐसे लगाना है तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में ये सब सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी नई। फ्रेंड्स, आई होप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।